हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा ड्रॉप शिपिंग या फिर प्रिंट ऑन डिमांड रिलेटेड, आज बात करूंगा अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड। तो ये जो चीज़ है ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने मतलब इसमें कैसे काम किया, कैसे मैंने उसमें सेल्स लाए, सारा चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। वैसे अभी तक का अगर बात करूं तो ये सबसे पहला अमेज़न एफिलिएट का सक्सेसफुल कैंपेन रहा मेरा, उसी का शेयर करूंगा मैं। बहुत दिन से सोच रहा था मैं इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आज आखिरकार जो पेमेंट आ गया बैंक अकाउंट में तभी ये वीडियो बना रहा हूं। तो अभी आपको मैं बताता हूं अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड थोड़ा बहुत, उसके बाद बताता हूं कि मैंने कैसे किया ये चीज़। तो सबसे पहले तो अमेज़न में अगर काम करना है एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है हम लोगों को, मतलब हम लोग नहीं अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट है इसके लिए। उनके बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे हमारा अकाउंट को वो लोग बैन कर देते हैं। तो अकाउंट बैन करने का फ़ायदा ये है अमेज़न में कि जो पैसा हम लोगों ने अर्न किया वो लोग मतलब शिप कर देते हैं, मतलब वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, उसमें दिक्कत नहीं रहता। लेकिन अकाउंट बैन हो जाता है तो जो लिंक्स है वो तो हमारा एक्सपायर हो गया, तो हमें न्यू लिंक डालना पड़ता है जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने पुराना लिंक डाला था। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मेरे साथ पहले एक बार मैंने अमेज़न का अकाउंट बनाया था बहुत पहले, आज से शायद एक डेढ़ साल पहले। तो उसमें ऐसा है कि अमेज़न में 180 डेज़ पहले था 90 डेज़ के अंदर अगर हमारे पास 3 सेल ना आए तो वो लोग हमारे अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। तो मेरा वो वाला अकाउंट क्लोज़ हो गया था। तो अभी जो मैंने अकाउंट बनाया था तो उस अकाउंट में मैंने क्या किया था, उस अकाउंट बनाने के बाद तो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने उस अकाउंट को। लेकिन मैंने एक दिन क्या किया, मेरा जो एक YouTube चैनल है जिसमें मैं रेगुलर उस टाइम पे वीडियो डालता रहता था, आप लोगों को शायद नहीं पता उस चैनल के रिलेटेड ज़्यादा, तो उसमें मैं एक्चुअली ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो ये है वो चैनल, वीडियो का नाम देख सकते हो, मेरा नाम से ही है वो चैनल। तो उसमें मैंने क्या किया था, एक OBD करके एक टूल आता है, OBD मतलब ऑनबोर्ड डायग्नोसिस कहते हैं उसको। उस टूल से आप लोग आपके गाड़ी हो या फिर मोटरसाइकिल हो उसको स्कैन कर सकते हो, मतलब उसको स्कैन करके उसमें क्या क्या फॉल्ट है सारा चीज़ आपके मोबाइल पे देख सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है वो टूल। बहुत अच्छा था, उसके रिलेटेड मुझे मतलब इंटरेस्ट था तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था उसमें, ऐसे करीब एक सीरीज़ टाइप का बनाया था, Part 1, Part 2 इंट्रोडक्शन करके ऐसे 3-4 वीडियो का सीरीज़ था। तो उसमें मैंने क्या किया, जो OBD के बारे में बताया उसका मैंने एक जो लिंक है अमेज़न का लिंक वो डाल दिया था मेरे डिस्क्रिप्शन पे। तो मैंने तो डाल के ऐसे ही छोड़ दिया था, मुझे नहीं लगा कि मतलब लोग जाएंगे उस लिंक में। लेकिन मैंने कुछ दिन बाद जब देखा तो मैंने देखा कि अरे उसमें तो 1000 के करीब लोग चले गए उस लिंक में, और देखा तो मैंने ऑर्डर मुझे मिल गया था ऐसे करीब 6-7 ऑर्डर मिल गया था। और धीरे धीरे मतलब वो मैं वीडियो बनाता गया उसमें, उस टॉपिक में मैंने शायद 3 वीडियो उस टाइम पर बनाया था, और जो वीडियो में करीब ऐसे 2000 के करीब व्यूज़ आ गए थे। तो मैंने देखा कि हाँ अमेज़न में उसमें अर्निंग हो रहा था। और उसमें अमेज़न में फ़ायदेमंद चीज़ वो है कि मान लीजिए अगर वो चीज़ देख के कोई जाए और अंदर जाके कोई दूसरा चीज़ परचेस करे तो हमें मतलब उस चीज़ का भी कमीशन मिलेगा। और कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोग तो गए मेरा वो 500 वाला चीज़ परचेस करने, लेकिन वो लोग क्या किया ना 1000 वाला 2000 वाला ऐसे चीज़ परचेस कर लिया, तो उससे कमीशन मुझे ज़्यादा मिल गया। एक ने तो लैपटॉप परचेस कर लिया था 60,000 रुपये का, 50-60,000 रुपये का, तो उसी से मुझे शायद करीब 1000 या फिर 1200 के करीब कमीशन मिल गया। तो ऐसा सिस्टम है अमेज़न का, चीज़ बहुत बढ़िया है। लेकिन ये है कि उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता, अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा है तो अर्निंग ज़्यादा होता है। तो अभी बात आती है कि मैं वो पेज जो है वो आपको दिखा पाऊँगा, यानी दिक्कत ये है कि वो पेज आपको मैं दिखा नहीं सकता, दिखाऊँगा मैं आपको आखिरी में दिखाऊँगा, अभी लेटेस्ट जो पेज है वो दिखाऊँगा। लेकिन वो वाला जो अमेज़न का अकाउंट है वो आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो अमेज़न ने ये कर दिया, मतलब उसको डिसेबल कर दिया। उसका रीज़न क्या था, मैंने उसमें ऐसे डालना पड़ता है कि हमारा ट्रैफिक सोर्स क्या है। तो मैंने जो बनाया था चैनल उसमें मेरे पास एक वेबसाइट था उसका मैंने डाल दिया था कि वो मेरा ट्रैफिक सोर्स है। लेकिन मैंने क्या किया ना, YouTube में प्रमोट करना शुरू कर दिया, और अमेज़न को पता नहीं था कि मैं YouTube में प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, मेरा जो अमेज़न अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया। उसमें करीब ऐसे 2500 के करीब अर्निंग था मेरे उस टाइम पे, और वो जो अर्निंग था, मैं हो सके तो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अगर पुराना स्क्रीनशॉट हो मेरे पास। तो वो जो अर्निंग था उसको क्या किया इन लोगों ने, रख दिया 60 डेज़ तक। 60 डेज़ इसलिए रखा कि वो जो रिटर्न होता है लोगों का, रिटर्न का चक्कर है, वो हो जाने के बाद जो अमाउंट है वो हमें भेज देते हैं। तो मुझे जो अभी बैंक अकाउंट में मिला वो मिला 1970 रुपये के करीब, उसका स्क्रीनशॉट हो सके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो वो होने के बाद, वैसे वो तो पहले ही डिसेबल हो गया था, और जैसे ही डिसेबल हो गया था मैंने क्या किया था, अलग सा एक अकाउंट बनाया था क्योंकि वो जो वीडियोज़ है उसमें तो व्यूज़ आ रहे थे। और एक अकाउंट बना के उसमें अच्छे से मैंने दिखाया कि मैंने यूट्यूब से ट्रैफिक भेजूंगा। तो सारा चीज़ सेटअप करके मैंने उसके जब लिंक्स देने लगे तो वो जो न्यू अकाउंट है उसमें भी मतलब आने लगा,
लोग परचेस करने लगे। और इसका जो स्टेटिस्टिक्स है वो आपको मैं दिखाता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में जाके कि उसका स्टेटिस्टिक्स क्या रहा। अमेज़न में कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जो मुझे पता चला अभी ऐसा करके। ये तो मतलब एक प्रॉपर अर्निंग नहीं है, प्रॉपर अर्निंग करेंगे तो हम लोग ब्लॉग वॉक टाइप का ऐसे कुछ चीज़ें बना सकते हैं, और यूट्यूब में ऐसे गैजेट रिव्यू टाइप का अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो बहुत अच्छा खासा अर्निंग होगा। मेरा तो ऐसे रैंडम सा एक टेस्टिंग था ये, जिस कारण से एक ही प्रोडक्ट को मैंने चूज़ किया था। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको लैपटॉप के स्क्रीन में जाके जो न्यू अकाउंट है उसका स्टेटिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो ये मैंने अपना जो एफिलिएट अकाउंट है नया वाला वो ओपन करके रखा है। तो ये जो लेटेस्ट 30 डेज़ का जो अर्निंग है वो यहाँ पे दिखा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे अर्निंग आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। क्लिक्स आए 944 और अर्निंग हुआ है 300, और परचेस हुआ है कितने टोटल ऑर्डर्ड आइटम 8 है और आइटम शिफ्ट है 9, मतलब किसी ने शायद 2 आइटम परचेस किया होगा। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये बहुत कम है कंपेयर करो तो पिछले से, क्योंकि अभी जो है मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, वो जो पुराना वीडियो है उसी के ऊपर आ रहा है, मतलब क्लिक उसी से ये सब चीज़ें जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो टोटल क्लिक इतने आए कि ये पता नहीं कहाँ का, ये शायद पूरे इस मंथ का है शायद। टोटल क्लिक इतने आए और टोटल इतना अर्निंग हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ आपको और डिटेल में दिखाता हूँ और पूरा कंप्लीट दिखाता हूँ। तो व्यू फुल रिपोर्ट में गया मैं, तो यहाँ पे जाके डेट चूज़ करने का आता है, तो डेट में कस्टम चूज़ करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, कस्टम जाके यहाँ पे 90 डेज़ का चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं वैसे मेरा दिसंबर से शुरू हुआ था, तो चलिए ठीक है, तो थोड़ी देर पहले से चूज़ कर लेता हूँ, 26 नवंबर से चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख के पता चल जाएगा मेरा। ये देखिए जो पहला अर्निंग हुआ है मेरा, तो शायद वो ये 12 रुपये का वो दिसंबर 5 को हुआ है। तो ये कंप्लीट अर्निंग है इस न्यू पेज का। तो यहाँ पे टोटल समरी में कितना है 2147, और नीचे जाता हूँ तो ये देखिए क्लिक टोटल आया है 4500, ऑर्डर हुए 68, शिप हुए 65। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो रिटर्न है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये 17 रिटर्न हुआ देखिए अमेज़ॉन में, और कन्वर्जन इतना है। टोटल जो अमाउंट है वो इतना 28,000 का, मतलब सेल दिलवाया मैंने और टोटल अर्निंग मेरा इतना हुआ। और ये सारे प्रोडक्ट है जो मतलब मेरे लिंक के थ्रू खरीदे। यहाँ पे देखिए ये तो जीरो लिखा हुआ है ना, ये जीरो का मतलब ये मैंने डाला नहीं था, मेरे लिंक से जाके किसी दूसरा चीज़ परचेस किया उन लोगों ने, तो इसीलिए ये जीरो आता है ये जहाँ तक मुझे पता है। और यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ये जीरो आया, मतलब मेरे लिंक से नहीं गया ये लोग, ये मतलब ज़्यादा महंगा चीज़ सामान था, ये कोई 2000 का सामान था, तो इसलिए अच्छा खासा कमीशन मिला था इसमें। तो ऐसा है कुछ चीज़। और इसमें अर्निंग में जाके देखे क्या है, अर्निंग में देखिए ये जो परसेंटेज कमीशन जो मिलता है हमें ऑटोमोटिव में अगर होता है तो 7.7, टोटल इसी में ज़्यादा आया था, और बिजनेस इंडस्ट्रियल में भी आया है अच्छा खासा। और ये जो है ना वायरलेस एक्सेसरीज़, होम इम्प्रूवमेंट, वायरलेस एक्सेसरीज़ में बहुत कम है, होम इम्प्रूवमेंट में भी अच्छा है। तो ये है सारा फीस जो अलग अलग अगर वेरिएशन की बात करूँ तो। अभी जो आपने देखा ये मेरा न्यू अकाउंट का अर्निंग था, और पुराने अकाउंट में करीब आपको मैंने बताया 1900 के करीब था, तो अगर दोनों को मर्ज करो तो 4000 के करीब अर्निंग हुआ है। और जो वीडियो है जिसके वजह से अर्निंग आया उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाया रहूँगा और यहाँ पे दिखा भी दूँगा फिर से। तो इन्हीं वीडियो से अर्निंग आया, और उसका व्यूज़ भी आप देख सकते हो कितना रहा वीडियो का व्यूज़। तो मतलब अमेज़ॉन में हम लोग अर्निंग तो कर सकते हैं, सही से करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अर्निंग। तो ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो, और कैसा लगा ज़रूर बताना। और आगे भी जो चीज़ करूँगा इसमें वो सारा चीज़ तो शेयर करूँगा इस चैनल के साथ, तो बने रहना इस चैनल के साथ और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।